प्रेज़ लॉर्ड एवरीवन, आप सभी विश्वास कर तो सब अच्छे होंगे। और मैं आप सभी को एक कहानी सुनाना चाहूँगा और दो भाई की कहानी सुनाना चाहता हूँ। दो भाई थे और वो एक मालिक के अंडर में दोनों भाई काम कर रहे थे और दोनों भाइयों को अलग अलग काम सौंपा गया। दोनों को कंपनियाँ सौंपी गई, अलग अलग काम सौंपा गया। और जब दोनों को काम सौंपा गया तो उनको कहा गया कि तुम जो भी काम कर रहे हो उसमें से मुझे 10% मुझे देना है और बाकी तुम रख लेना, ऐसे करके उनको बोला गया। और जब समय आया देने का तो बड़ा भाई जो था उसने क्या किया, जो भी उसकी कंपनी में मुनाफा हुआ उसने 10% ना देकर कुछ ही उसमें से निकाला और मालिक को दिया। लेकिन जो उसका छोटा भाई था उसने अपने कंपनी में से जो 10% था उसने बिल्कुल एक्यूरेट कर उसने निकाला और मालिक को दिया। जब मालिक ने दोनों की चीज़ों को देखा तो देखने के बाद लगा दिखा कि दोनों में कुछ गड़बड़ है। जब बड़े भाई का देखा तो उसमें कम था, जिस कारण से मालिक ने उसको स्वीकार ना कर उसे स्वीकार नहीं किया। और जब छोटे भाई का देखा तो उसकी एक विश्वास योग्यता, फेथफुलनेस दिखाई दी और मालिक बड़ा खुश हुआ। लेकिन जो उसका भाई था बड़े वाला, वो ये देख कर कि उसका भाई कैसे फेथफुल है, कैसे विश्वास योग्य है, उसने किस रीति से मालिक की नज़रों में अच्छा काम किया, वो अपने भाई की कामयाबी को देखकर और ये देखकर कि मालिक ने उसका स्वीकार किया, उस उन्नति को देखकर वो चिढ़ने लगा। आगे सुने, जब चिढ़ने लगा तो उसने क्या किया, अपने भाई को इतना चिढ़ने लगा, अपने भाई को जान से मारने की सोचने लगा। और उसने क्या किया, अपने भाई को अकेले में बुलाकर अपने भाई को वहाँ पर जान से उसे मार दिया। जब मालिक को पता लगा तो मालिक ने उसे उस कंपनी से बाहर निकाल दिया और उसको सजा दी। मैं एक कहानी बता रहा हूँ आपको, आज दुनिया में भी ऐसा ही है। ये कहानी जब हम एक बाइबल से पढ़ते हैं तो बाइबल में ऐसे दो भाई थे, एक का नाम कैन और एबल था। और कैन और एबल दोनों आदम हव्वा के बेटे थे, हम लोगों ने सब ने सुना है ये कहानी। आदम हव्वा के दो बेटे कैन एबल थे और कैन खेत में काम करता था और एबल भेड़ बकरियां चराता था। और कैन ने अपने खेत में से कुछ ही परमेश्वर के लिए निकाला और एबल ने अपनी भेड़ बकरियों में से हर एक बच्चा निकाला और दोनों ने परमेश्वर को दिया। लेकिन परमेश्वर ने छोटे भाई का स्वीकार किया, बड़े भाई का नहीं किया, क्योंकि वो अपने काम में विश्वास योग्य नहीं था, वो ईमानदार नहीं था। परमेश्वर से कहा कि तेरा मन उदास क्यों है, अगर तू अच्छा देता तो क्या मैं तेरे भेंट को स्वीकार नहीं करता, लेकिन फिर भी पाप तेरे मन के दरवाजे के पीछे खड़ा हुआ है और उसकी लालसा तेरे प्रति है, लेकिन तुझे उसके ऊपर प्रभुता करना है। लेकिन कैन इतना उदास और इतना क्रोधित था कि उसने किसी बात पर ध्यान नहीं दिया कि परमेश्वर क्या उसके मन में डाल रहा है। और उसने एक दिन अपने भाई को बुलाकर खेत में अपने भाई को जान से मार दिया और मारने के बाद उसका सारा लहू जमीन पर फैल गया। ध्यान सुने आप लोग, पूरी कहानी को सुने। और जब उसको मार दिया, मारने के बाद वहाँ से वो भाग गया और परमेश्वर ने फिर कहा कि कैन तेरा भाई कहाँ पर है। उसने बोला, मेरा भाई, मुझे क्या पता मेरा भाई कहाँ पे है, क्या मैं भाई का रखवाला हूँ, क्या अपने भाई के आगे पीछे घूमता हूँ। उसने परमेश्वर से झूठ कहा। परमेश्वर ने कहा कि तूने अपने भाई को जो जान से मारा है, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तू अपने जीवन भर कभी भी तू कामयाब नहीं होगा और तू इधर उधर भगोड़ों की तरह घूमता फिरता रहेगा। उसने कहा, परमेश्वर इतनी बड़ी सजा ना दे, यदि कोई भी व्यक्ति मिलेगा उस समय के अनुसार वो मुझे मार देगा।
परमेश्वर ने निशान लगा, जो कोई नहीं मारेगा, जो तुझे मारेगा 7 गुना दंड उसके ऊपर आएगा। मैं फिर ये कहानी जो मैं आज बता रहा हूँ आपको, ये आज के समय भी घटित होती है, आज के समय भी सारी बातें होती हैं। आज हर परिवार में, हर घर में, हर पड़ोस में, हर दोस्तों के बीच में जलन है, एक दूसरे के प्रति देखकर जलन है, एक भाई को बहन भाई से देखकर जलन है, पड़ोसी को देखकर जलन है, आगे किसी को कामयाब होते देख के जलन है। ये जलन ही है जो आज एक दूसरे को नाश करवा रही है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर हम ऐसा करते हैं तो हम परमेश्वर की नज़र में पाप कर रहे हैं, और इसकी पाप की सज़ा एक ही है, वो है श्राप, वो है मृत्यु। इसलिए अपने जीवन में हमेशा याद रखें कि कभी भी एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के से जलन ना करें। अगर ऐसा हम लोग करते हैं तो याद रखें, हम अपने जीवन में कभी भी कामयाबी को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मैं पहली चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमेशा परमेश्वर को उत्तम भेंट दे। उत्तम क्या दे हमारे पास देने के लिए, क्या है? एक ही चीज़ है प्रियो, अगर हम सच में उस परमेश्वर को दे सकते हैं, धन्यवाद दे, क्योंकि सब कुछ उसके द्वारा बनाया गया, सब कुछ उसके द्वारा बनाया गया, तो वो हमसे एक ही चीज़ चाहता है, वो है धन्यवाद। धन्यवाद दे। दूसरा, कभी से किसी से जलन ना करे, कि जलन करने से हमारे जीवन में कामयाबी नहीं, श्राप आता है। जलन ना करें, अपने भाई बहन को नुकसान ना पहुंचाए, जलन ना करें। जब कभी भी आपके मन में किसी के प्रति जलन आए, आप समझ जाना कि शैतान की लालसा तेरे प्रति है, हमारे प्रति, हमारे भाई हमारी बहन से जलन कराना चाहता है, हमसे अलग कराना चाहता है, मन मुटाव कराना चाहता है। इसलिए इन सारी बातों पर ना, जब भी आए तो ध्यान रखना कि कभी शैतान मेरे मन को ना भर रहा हो। आप ये सोचो कि शैतान तो चलो आएगा, मुझे कैसे पता लगेगा, क्योंकि शैतान किसी के द्वारा भी आकर, किसी के द्वारा भी आपके को जलन करा सकता है। वो आपके पड़ोसी, आपके दोस्त, आपके संबंधी आकर भी आपके कानों में, आपके प्रति, आपके दोस्त के प्रति, परिवार या पड़ोसी के प्रति भी आपके अंदर नफरत पैदा कर सकता है। लेकिन आप हमेशा याद रखना, आपको देखना है क्या ये बातें जो मेरे अंदर भरी जा रही है, क्या ये सही है या गलत है। अगर गलत है तो कभी ना सुने, क्योंकि शैतान किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। तीसरा, अपने काम में ईमानदार रहे, हमेशा सच बोले, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानता है। फिर मैं बताता हूँ कि अपने काम हमेशा ईमानदार रहिए, आप हमेशा ईमानदार रहे, जो है भी आप काम करते हैं, काम काज करते हैं, हमेशा ईमानदार रहे और सच बोले, अपने परिवार से सच बोले, क्योंकि परमेश्वर अपने सबको जानता है। हो सकता है आप कोई ना जानता हो, कोई ना देखता हो, लेकिन याद रखे, परमेश्वर के सामने हम सभी एक खुली हुई किताब के समान हैं, वो सब कुछ जानता है। इसलिए अपने आप को न जलन करे, नफरत करे, ईमानदार रहे। धन्यवाद हर बातों के लिए, सबको थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।